दीनदयाल उपाध्याय शोध पीठ DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित स्पीकर ऑफ द ईयर कार्यक्रम शनिवार को विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में संपन्न हुआ। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राम माधव और विशिष्ट अतिथि मंडला एक जयंत नार्लिकर को कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह ने सम्मानित किया। इस अवसर पर DDU शोध पीठ दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 3 स्पीकर ऑफ द ईयर व्याख्यान में इंडिया फाउंडेशन प्रशासक मंडल के सदस्य राम माधव ने कहा कि 20वीं सदी यूरोपीय देशों के नाम रही मगर 21वीं सदी भारतीयों के नाम होगी। इसके लिए भारतीय अस्मिता और राष्ट्रभाव को जगाना होगा। देश के हर नागरिक को स्टेक होल्डर बनना होगा। केवल वोट होल्डर बन जाने से आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। गांधी के राम राज्य, अम्बेडकर की सोशल डेमोक्रेसी और दीनदयाल जी का अंत्योदय को अपना कर राष्ट्र निर्माण करना होगा। उन्होंने कहा कि 1990 में भारत और चीन की GDP लगभग बराबर थी मगर आज 30 साल बाद चीन की GDP भारत से 5 गुना अधिक है। हम 130 करोड़ हैं जबकि वो 140 करोड़ हैं। तब सवाल उठता है कि चीन ने ऐसा क्या किया जो आज उसके देश की GDP बुलंदियों को छू रही है। चीन ने देश की राष्ट्र शक्ति को जगाने का काम किया और यही वजह है कि देश विकास के मामले में आगे बढ़ रहा है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था 3 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर रही है। जल्द ही हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथि कमिश्नर जयंत नार्लिकर ने कहा कि पिछले 6-7 सालों में पंडित दीनदयाल जी के दर्शन को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम हुआ है। राज्य में वर्ष 2070 से मुखिया प्लेटो के फिलोसफर किंग की तरह राज्य के विकास में लगे हैं। गोरखपुर मंडल में 6.5 लाख शौचालय, 20 लाख किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि, 2.5 लाख गरीबों को आवास देने का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार दीनदयाल जी के दर्शन के अनुसार समाज के आखिरी सोपान तक पहुंचने का कार्य कर रही है। इस दौरान कार्यक्रम का संचालन और आभार ज्ञापन प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा ने किया। कार्यक्रम में पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह, RSS के रमेश जी, इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बाल मुकुंद पांडे, समस्त संकाय अध्यक्ष, विभागाध्यक्ष, मीडिया प्रभारी महेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर रुचिका सिंह, दीपेंद्र मोहन सिंह व अन्य गणमान्य जन मौजूद रहे। मंच पर मंजा सिंह हमारे मुख्य अतिथि, श्री राम माधव जी हमारे विशिष्ट अतिथि, जयंत नार्लिकर जी कमिश्नर गोरखपुर डिवीजन, प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी संघ प्रमुख, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमारे बाहर से आए हुए अतिथिगण, हमारे शिक्षक विद्यार्थी भाई और बहन, मैं सबसे पहले मंच पर बैठे श्री राम माधव जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने वशिष्ठ अतिथि श्री जयंत नार्लिकर जी का भी स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे कमिश्नर साहब, फिजिकली तो मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ लेकिन फोन की हमारी बात होती रहती है। अक्सर बहुत सारी चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी की समस्या है, फोन पर ही सुझाते रहते हैं। आज पहली बार कोई जरूरी है कि हम लोग एक साथ स्टेज पर बैठे हैं। मैं खासकर, मुझे बोला गया है थोड़ा सा हमारे मुख्य अतिथि का
पर्चे भी लिफ्ट में देने के लिए है। मैं जानता हूँ आप सभी लोग जानते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं राम माधव को। आज जो इनॉग्रल सेशन से भी ज़्यादा भीड़ है, खासकर मैं बच्चों को देख रहा हूँ, काफ़ी बच्चे आए हैं। मैं अपना कॉन्फिडेंटली बहुत श्योर हूँ, ये ऐसा मोमेंट है, ऐसे लोग, ऐसा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे आपके विजन, बहुत सारे आपके प्रोग्राम इन लेक्चर से तय हो जाते हैं। राम माधव जी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के मूल फिगर हैं। मैं इनको बहुत पहले से जानता था, 2003 से लेकर 2014 तक ये नेशनल स्पोक्समैन थे आरएसएस के। अक्सर हम लोग इन्हीं को देखते थे, आरएसएस को ही मुझसे ज्यादा सुनते थे। नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीजेपी के रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट में आरएसएस के रहे हैं, लेकिन मैंने इनको दूसरे रूप में देखा है। अगर आपको कुछ टाइम व्यक्तियों की कल्पना करते हैं इंडिया में, उनमें से एक ही हस्ती है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर एकात्म मानव दर्शन, सतत विकास का व्यवहार्य मार्ग पर हम ये वेबिनार आयोजन में उपस्थित हैं। और ये जानना बहुत जरूरी है, क्या है ये एकात्म मानव दर्शन? और मुझे लगता है जो हमारे मुख्य अतिथि महोदय हैं, उनसे पूछ पाने का चैलेंज ये है कि वो इतने ज्यादा ज्ञान के स्रोत हैं कि इस बारे में कुछ भी मेरे द्वारा कहा जाना बहुत ही अल्प प्रतीत होगा, किंतु मैं भी प्रयास करूंगा कि कुछ चीजें जो मुझे समझ में आई वो मैं रखने का प्रयास करूँ। एकात्म मानव दर्शन में एकात्म पहला शब्द है। जरा याद करें उस समय की, जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारत की सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए जूझ रहे थे। कोल्ड वॉर का वो समय था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था और दो विचारधाराएं प्रबल थी। एक विचारधारा कैपिटलिज्म की थी, जो अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज द्वारा उनको सपोर्ट किया जा रहा था और जिसकी मूल आधार पर इंडिविजुअलिज्म थी, व्यक्ति थी। और दूसरी विचारधारा कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, अल्ट्रा सोशलिज्म था, जो अस्थायी साथ स्टालिन और लेनिन की विचारधारा पर आधारित था। एक विचारधारा ये कहती थी कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और उसके महत्व के लिए, उसके स्वार्थ के लिए, उसके इंटरेस्ट के लिए सारी चीजें सजित होनी चाहिए या उनको उनका विकास होना चाहिए। और दूसरी विचारधारा ये कहती थी कि समाज इंपॉर्टेंट है, राष्ट्र इंपॉर्टेंट है और राष्ट्र के लिए किसी व्यक्ति का भी बलिदान करना पड़े तो किया जाना चाहिए। और उस समय इन दो विचारधाराओं के बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की ये सोच थी, ये दर्शन था कि वो एकात्म मानव बात लेकर आए, और जिसमें उन्होंने कहा कि व्यक्ति का विकास और राष्ट्र का विकास इंटीग्रेटेड जुड़े हुए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ राष्ट्र के विकास के हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। राष्ट्र का विकास होना चाहिए लेकिन व्यक्ति के अधिकारों का हनन करके नहीं होना चाहिए। और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एकात्म मानव दर्शन को, मानववाद को समझें। जैसे मैग्नानिमस और आकाश पुंज, ज्ञान पुंज का निधन बहुत शीघ्र हो गया और भारतवर्ष, जिसे एक समय हम सोने की चिड़िया कहते थे, जो दर्शन, वैश्विक दर्शन का पुंज होता था, वो एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति से, आर्थिक क्रांति से वंचित है।
किंतु समय परिवर्तन होता है और आज उनके उस दर्शन को हम विभिन्न रूपों में विभिन्न योजनाओं में केंद्र सरकार की योजनाओं में देख रहे हैं। इस एकात्म मानव दर्शन में एकात्म शब्द का एक दूसरा पहलू भी है, वो पहलू है शंकर का अद्वैत वेदांत। और क्योंकि मैं विश्वविद्यालय के प्रांगण में हूं तो मैं बहुत ज्यादा मुझे यहां कहने की आवश्यकता नहीं है, जो रियलिटी है उसको विभिन्न दार्शनिकों ने, फिलोसफर्स ने विभिन्न तरह से इंटरप्रेट किया है। वेस्टर्न फिलोसफी ड्यूअलिज्म की बात करती है, दो रियलिटी की बात करती है, लेकिन शंकर का अद्वैत जो है वो सिर्फ एक रियलिटी की बात करता है। और एकात्म मानव दर्शन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वो विकास के आधार को, राष्ट्र की योजनाओं के आधार में दर्शन को लाता है, फिलोसफी को लाता है, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरा मानव दर्शन, मानव दर्शन का अर्थ ही है कि व्यक्ति का समग्र विकास हो, मानवता हो, हमारे सारे क्रियाकलापों में मानवता को हम प्रमुखता दें। और इसलिए एकात्म मानव दर्शन आज 2021 में बहुत प्रासंगिक होता है कि हम इसको समझें और इसके आधार पर जो योजनाएं बनाई जा रही हैं उनके महत्व को समझें और उनका हम सही मायने में प्रचार प्रसार करते हुए उनको क्रियान्वित करने में सरकार और प्रशासन का सहयोग है। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के कुलपति, जेनेटिक्स के प्रोफेसर प्रोफेसर राजेश सिंह जी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कमिश्नर, जिनके नाम के संदर्भ में प्रोफेसर हर्षी ने बताया था, स्वनाम धन्य, जिनका नाम देश के विख्यात एस्ट्रोफिजिसिस्ट जयंत नार्लिकर जी के नाम पर रखा गया था। आमतौर पर रखते हैं तो कोई पहला जो नाम का पहला भाग होता है जयंत ऐसा रखे, बाकी पांडे शास्त्री जो भी रखते हैं, पर उनको पूरा नाम रखा गया जयंत नार्लिकर। ऐसे हमारे कमिश्नर साहब प्रोफेसर हर्ष सिन्हा जी, कभी विद्वतगण, एकेडमिक्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे काफी संकट महसूस हो रहा है। एक तो हम कोरोना के कालखंड से पूर्ण रूप से बाहर नहीं आए हैं, तो कोरोना का नियम होता है कि थोड़ा बैठने में दूरी रखे, जिसको आप लोग सोशल डिस्टेंस बोलते हैं, सामाजिक दूरी बोलते हैं, तो नहीं बोलना चाहिए, सामाजिक दूरी खराब शब्द है, उसको भौतिक दूरी या फिजिकल डिस्टेंस ही कहना चाहिए। तो वो जो फिजिकल डिस्टेंस जो मेंटेन होना था यहां हो नहीं रहा है, ये चले ही जाएंगे। तो मेरे लिए संकट भी है, अवसर भी है, कुछ लोगों को जाने देना, इसलिए दरवाजे बंद मत करिए पीछे का। दूसरा है कि आमतौर पर आफ्टरनून के लंच के बाद कई लोगों को एक सियास्टा का, यानी दोपहर को सोने का आदत होता है। मैं तो आरएसएस का प्रचार को हमारे यहाँ कहा जाता है मजाक से कि वो जो 2 बजे से 3:30 बजे का समय जो है वो हिंदू राष्ट्र का सोने का समय है। तो कई लोग हैं जिनको सोना है, मैं रुकना नहीं चाहूंगा, अच्छा आनंद लीजिए उसका भी। पर सबसे बड़ा संकट है कि यहाँ जो बहुत बड़ी संख्या में युवा वर्ग है, जिनके बारे में कहा जाता है दी एज टू विच यू आर बिलोंग, उसके बारे में कहा जाता है कि उठाएंगे तो गोद में नहीं रहेंगे, उतारेंगे तो जमीन पे नहीं रहेंगे। एक घंटा क्लास में बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, ऐसे में आपको बिठा के 2 घंटे तक कोई कार्यक्रम में भाषण के बाद भाषण पिलाते जाए, ये काफी कठिन काम होता है।
और मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो एक किताब होता था, आपके से कुछ लोग पढ़े होंगे, डेल कार्नेगी नाम का व्यक्ति, उसने लिखा था हाउ टू विन फ्रेंड्स, मित्रों को बनाना कैसे। उसने कई चुटकुले दिए, कई सूत्र दिए कैसे कैसे अच्छे मित्र बनते हैं। उसका कोई विद्वान उसका पैरोडी लिखते हैं हाउ टू विन एनिमीज, तो उसमें एक सूत्र जरूर होगा कैसे विद्वान से भरी हुई सभा में अंत में बोलना और लंबा बोलना। हमको आदि पर्याप्त है और नहीं चाहिए, तो मैं बहुत लंबा कुछ भाषण नहीं देने वाला हूं, संक्षेप में कुछ विचार आपसे मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्म मानव दर्शन के संदर्भ में यहाँ 3 दिन की एक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी हो रही है, संपन्न हो रही है, इसके लिए मैं सर और पूरे टीम को बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। जैसा हमारे कमिश्नर साहब ने कहा, यह विचार दीनदयाल जी का पिछले शताब्दी का विचार था, इंटीग्रल ह्यूमनिज्म पिछले शताब्दी का उसका विचार था, उनके एक आइडिया था। बट रिमेम्बर, पिछली जो शताब्दी रही है, वैसे तो उस शताब्दी के बारे में कहते हैं कि इट वाज अ सेंचुरी, इट वाज एक्चुअली अ लैबोरेटरी ऑफ आइडियाज, विचारों का एक लैबोरेटरी जैसा था पिछली शताब्दी। दुनिया में अनेक प्रकारों के विचारों के ऊपर प्रयोग हुआ, उनका आचरण हुआ, अमल हुआ। ऐसे जो विचारों की शताब्दी रही है, उस विचारों की शताब्दी में ज्यादातर प्रभाव पाश्चात्य विचारों का था, यूरोपियन एंड अमेरिकन थॉट प्रोसेस ही डोमिनेंट रहा है। जो अभी बताया गया कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, दोनों यूरोपीय विचार थे, उन्हीं का बोलबाला रहा है पूरे शताब्दी में। अगर इंडिया ने कोई अपना ओरिजिनल पॉलिटिकल आइडिया अगर कोई दिया हो लास्ट सेंचुरी में, तो एक आइडिया था गांधी जी का, अहिंसा और सत्याग्रह। उससे बढ़कर हमारा कोई बहुत ज्यादा योगदान नहीं रहा, पर गांधी का वो जो योगदान था वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में उस पॉलिटिकल थॉट का प्रयोग गांधी जी ने किया, अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते भारत को आजाद किया, तो दुनिया में तमाम देशों में एक साथ आजादी के संघर्ष का स्वरूप बदल गया, फ्रॉम आर्म्ड रिवॉल्यूशन टू नॉन वायलेंट रिवॉल्यूशन की तरफ दुनिया मुड़ गई। उस दृष्टि से बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन वो एक विचार कर रहा है, पर वो विचार दुनिया को पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं कर पाई। इंडिविजुअल लीडर्स थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर अमेरिका में थे, तो नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका में थे, पोलैंड में पोलिश रिवॉल्यूशन जो आया था लेक वालेसा के नेतृत्व में, उसका इंस्पिरेशन गांधी जी रहे, तो आंग सान सू ची का म्यांमार में भी वो इंस्पिरेशन रहे, पर वो कोई सस्टेन्ड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के रूप में दुनिया में प्रस्तुत नहीं हो पाई। तो जो लास्ट सेंचुरी था वो ज्यादातर यूरोपीय विचारों से प्रभावित रहा है, उसमें एक नेशनल स्टेट का विचार से शुरू हुआ, यूरोपियन नेशनलिज्म का एक नाम होता है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने 19वीं सेंचुरी के एंड में जर्मनी, जो आज का जर्मनी है, उसके अलग अलग छोटे छोटे राजा महाराजा होते थे, उन सबको यूनाइट करके जर्मनी को एक राष्ट्र बनाया, नेशन स्टेट बनाया, तब नेशनलिज्म बड़ा ग्लैमरस बना। पर एक 50 साल होते होते ही प्रथम महायुद्ध आया, द्वितीय महायुद्ध आया, तो दुनिया में लगने लगा कि भाई नेशनलिज्म बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, यूरोप का डेंजरस है। तो जाके फिर हम अंतरराष्ट्रीय विचारों पर आ गए, यूनाइटेड नेशंस बन गया, दुनिया दो गुटों में बट गई, एक अमेरिका के नेतृत्व वाली कैपिटलिस्ट दुनिया, एक सोवियत रशिया के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट दुनिया। तो कहते थे कि बाइपोलर वर्ल्ड बन गया है, दो कंबों पर दुनिया चल रहा है। हम तो बहुत बड़ा फिलोसफर है इंडियंस, कहते ना मजाक से कि इंडियन अकेला रहता है तो बहुत बड़ा फिलोसफर है, आप से हर एक बहुत बड़ा फिलोसफी बोल सकते हैं अकेले। दूसरा आएगा तो आर्गुमेंट होगा,
जैसे ही तीसरा इंजन मिलता है कंफ्यूज हो जाता है तो फिलासफर है। तो हमने कहा कि यार हम इधर भी नहीं जाएंगे, कैपिटलिस्ट अमेरिका में भी, उधर कम्युनिस्ट सोवियत यूनियन के साथ भी नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे। तो रह सकते हैं कोई बात नहीं, पर अलग रहने का भी कोई तो आधार होना चाहिए ना। तो हमने कहा कि नहीं, आधार की जरूरत है, हम नॉन अलाइंड है, हम ना इधर है ना उधर है, हमारा गुट क्या है ना इधर का ना उधर का गुट हमारा है। कुछ थोड़ा रोमांटिक हो गया हम तो हमने उन दोनों गुटों में शामिल तो नहीं हुआ, पर हमारी अपनी विचार देकर एक खड़ा करने का विश्व में प्रयास भी हमने नहीं किया।